तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉट टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। यूट्यूब अगर आप एक क्रिएटर हो तो सबसे बड़ी दिक्कत होती होगी, एक दिन टॉपिक मिल गया, दूसरे दिन टॉपिक मिल गया, तीसरे दिन टॉपिक मिल गया, लेकिन यार कब तक टॉपिक लेते रहें और कहाँ कहाँ से टॉपिक लाएँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है आपका, और आज के इस टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं कि आप टॉपिक ही कहाँ से लाएँ यूट्यूब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको सबसे सिंपल तरीका आजमाना है, वो है एक्टिवेशन। यानी कि आपकी एक्टिवेशन जो है वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर 24 घंटे ना हो, तो कम से कम दिन में 2-4 घंटे तो होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको करना क्या है, 24 घंटे जैसे नव भारत टाइम है इस पर पहुंच जाओ, अखबार आप देखा करो, जो न्यूज़पेपर आते हैं न्यूज़ देख करो, पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, सोशल न्यूज़ होती है, टेक्निकल न्यूज़ होती हैं, जितने भी न्यूज़ यहाँ पर होती हैं सब पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब जैसे मान लो आप एक टेक्निकल यूट्यूबर हो, तो टेक्निकल यूट्यूबर हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी टेक क्या चल रहा है, यूट्यूब पर कोई नई अपडेट है तो उसको किस तरह से सॉल्व करनी है, या फिर इवन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको टॉपिक ना मिले तो जो वीडियोस आपने बनाई होती हैं उसी में लोग ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जो वो टॉपिक बन जाता है। तो ऐसा भी उस पर ध्यान दे करो, उसके कमेंट पर ध्यान दे करो, और यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी टेक्नोलॉजी का एक पेज होता है हर जगह, चाहे वो नवभारत टाइम में हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हो, चाहे वो पंजाब केसरी में हो, या फिर वो किसी में भी हो। अगर आप पोर्टल यूज़ करते हो, पोर्टल देखते हो वेबसाइट पर जाके या फिर डेस्कटॉप पर अपने, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर छोटी सी देखने वाली बात और भी है कि अगर आपके पास अपना एंड्रॉइड फोन ही है तो वहां पर व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आपके पास ग्रुप में भी ऐसी वीडियोस आ जाती हैं। अगर मान लो आप टेक्निकल से रिलेटेड नहीं हो तो वीडियोस आपकी न्यूज़ की कई सारी आ जाती हैं, आप न्यूज़ भी देख सकते हो उसमें। या मान लो आप अगर न्यूज़ में भी नहीं हो तो दिल्ली में हो, दिल्ली के बाहर हो, आप एक व्लॉग कैटेगरी से हो तो व्लॉग कैटेगरी से देखने की ज़रूरत है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि देश में सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन सी है या वहाँ पर कैसे घूमा जा सकता है। अगर आप व्लॉग एज ए कैटेगरी हो तो अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो उसके बारे में आप ब्रीफ कर सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि वहाँ के कुछ फोटोज़ निकाल के, वहाँ के कुछ वीडियोस आउटसोप लेके आप अपने साथ उसको बना सकते हो। तो ये तो यहाँ पे हो गया कि आपने टॉपिक यहाँ से लेना। अब इस टॉपिक पर काम कैसे करना है, जैसे मान लो अगर आपको टॉपिक मिल गया है कोई टेक्निकल का कि YouTube की एक नई अपडेट आ गई है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस नई अपडेट को सेम वही सर्च करके देख लेना है कि YouTube पर जो नई अपडेट आई है क्या वो मैं देख रहा हूँ उसी तरह की है। बहुत बार ऐसा होता है आपने जो देखा वो आपको लगता है कि ये YouTube अपडेट जो है वो इस तरह की है कि मतलब नोटिफिकेशन बेल से रिलेटेड है, मान लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल से रिलेटेड है, ये आपको समझ में आ रहा है, आपने माइंडसेट कर लिया। बट वही जब आप सर्च करके देखोगे तो उसमें क्या निकलेगा कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जब आप दबाते हैं तो नोटिफिकेशन बेल में जो नई अपडेट है वो अपडेट है कि उसमें 3 ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि ऑल नोटिफिकेशन चाहिए आपको, पर्सनल नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर नॉन नोटिफिकेशन, यानी कि कोई नोटिफिकेशन मुझे इसमें नहीं चाहिए। तो ऐसी अपडेट पर आप पहले तो सबसे पहले खुद परिचय यानी कि खुद अच्छे से समझ लो, जांच लो, पड़ताल कर लो, उसके बाद उस पर वीडियो बनाओ। अब यहाँ पर टेक्निकल की बात भी हो गई, व्लॉग की बात भी हो गई, अगर आप एज अ वाइनर हो, एज अ वाइन बनाते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स उसमें भी निकलते हैं आपके इन्वायरमेंट में से। मान लो जैसे अभी आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आपकी लैंग्वेज हो और आपकी लैंग्वेज से काफी अलग लैंग्वेज वहां पर यूज करनी हो, तो वहां पर आपको कुछ क्रिएटिविटी नजर आई, कुछ इंटेंसिविटी लगी आई, तो वहां से आपने वो क्रिएट कर लेना है। अच्छा, यहां पर अगर आपने वाइन्स में ये चीज छोड़ के कुछ और क्रिएट करना है तो उसमें भी इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे मान लो अभी एग्जाम का टाइम है तो लोग एग्जाम आते हैं, छुट्टियों का टाइम अभी चल रहा है बच्चों की, तो छुट्टियां पर भी आप वीडियोस बना सकते हो। इवन क्लासरूम जब पहले दिन खुलता है, मतलब जब स्कूल ओपन होता है तो पहला क्लासरूम, पहला दिन, ऐसे भी करके बहुत सारी कैटेगरीज में वीडियो आती रहती हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मियों पर बना सकते हो, बरसात में चल रहा है तो बरसात में बना सकते हो, देसी वर्सेस इंडियन बना सकते हो, देसी वर्सेस, इस तरह की जितनी भी टॉपिक्स हैं आप अच्छे से उधार निकाल सकते हो और उसको बना सकते हो, उस पर काम कर सकते हो आप एज अ यूट्यूबर अगर हो तो। यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको टॉपिक रोज़ रोज़ एक ही मिल रहा है, यानी कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि YouTube पर या फिर कई बार ऐसा होता है कि वेब पोर्टल पर भी एक एक टेक्नोलॉजी है, एक एक व्लॉगर है, एक एक तरीके की, मतलब जो आप चीज़ चाहिए वही आप रोज़ वहाँ पर देख रहे हो, तो नया कुछ कहाँ से मिले। तो नया देखने के लिए आपको अपने ही YouTube चैनल पर जो आप कैटेगरी यूज़ करते हो, आप अपनी कैटेगरीज में बनाते हो, सेम उसी तरह की कैटेगरीज को आप देखो। जैसे मान लो कि मैं एक TikTok की वीडियो बनाता हूँ कि TikTok पर पैसा कैसे कमाते हैं, तो मेरे को उससे रिलेटेड चीज़ें भी मिलने लगेंगी कि TikTok पर लाइक कैसे बढ़ाते हैं, TikTok पर व्यूज़ कैसे बढ़ाते हैं, TikTok पर वायरल कैसे होते हैं,
ये टिकटॉक से पैसे कैसे कमाते हैं। तो इस तरह की मुझे जब कैटेगरीज मिलने लगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरा माइंड सेट है वो अलग हो चुका होगा और अब मैं उसके ऊपर भी काम करने के लिए तैयार होऊंगा। तो ऐसे अगर आप अपने ही वीडियोस को यूट्यूब पे और लोगों की देखते रहो तो आपको उसमें से भी टॉपिक मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर यहाँ बात करी जाए तो वहाँ पर एज अ प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी वेब पोर्टल का हो, आपने वहाँ पर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप भी परेशान कभी कभार हो जाते हो कि टॉपिक कौन सा लूँ मैं, तो यार वो भी मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ यार मेरी तरह और भी लोग हैं। यानी कि मुझे जब कभी टॉपिक नहीं मिलता तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को और लोगों की देखने लगता हूँ, तो मुझे वहाँ से टॉपिक निकल आता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।